बिजली चमके देवा गरजे घनघोर बदरवा हो गई ले अब बिजली चमके देवा गरजे घनघोर बदरवा हो गई ले पापी पपी है अच्छे से भाव भंगिमा कर रही है। मैं चाहूंगी लाइट उस तरफ जाए और मुझे पता नहीं है आपसे मैं पूछना चाहूंगी, हालांकि ये मैंने सुना है, मैंने तो गीत के जरिए ही आपके संस्कार संस्कृति को समझी हूं। मैंने सुना है पहले डोम का छुआ करता था, आजकल होता है क्या? होता है ये परंपरा यहाँ पे है? हाँ। तो मैंने सुना कि उस समय सब लोग बारात के साथ जाते हैं, घर की महिलाएं आपस में बहुत मस्ती करते थे, है ना? तो मैं चाहती हूँ खासकर मौसी जी, दीदी जी, मौसी भाभी, आप वहीं से इतना अच्छा से मांग सिंदूर करके गा रही हैं। खड़ा हो जाओ। मैं तो चाहूंगी आप लोग मंच पे अगर मेरे साथ आते तो मुझे अच्छा लगता, बाकी आपके ऊपर है। मैं चाहती थी क्योंकि ये घर गृहस्थ की एक आपस की श्रृंगार गीत है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत सा कोई अपगुणात्मक बात नहीं है। परमिशन है उनके आने का? नहीं है तो प्लीज आप लोग मंच पे आइए ना, तब मजा आएगा। तब पहले जब आईली गवनवा, जिया पहले जब आईली गवनवा सासों से झगड़ा हो गई ले। वो मौसी जी को पूछना चाहूंगी, सासू जी से कभी झगड़ा हुआ है क्या? आपका होता था क्या? क्या हुआ है सासू जी से झगड़ा हुआ है? ना बीत गई बात, इस बात को आप निकालेंगे तो बहुत लंबी बात निकलेगी। तो पहले जब आईली गवनवा सासू से झगड़ा हो गई ले। अब बलम जी तो हमेशा परदेश में रहते हैं, हमेशा से पूर्वांचल के बलम जी जो है, सैया जी जो है, परदेश में ही है। कहाँ है कि नहीं? कमाए खातिर तो उसी को लिखा गया है, बाकी बलम परदेश में रहते हैं।